फ्रेंड आप सभी ने तो देख ही लिया होगा कोइन मार्केट कैप पे या फिर कोइन गीगो पे जाके जो मार्केट है वो खुद को रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो हर कोई ग्रीन उसमें आ चुका है। बिटकॉइन भी +20.18% इंक्रीज हो चुका है। इथेरियम की बात करें तो वो भी 41.65% इंक्रीज हो चुका है यहाँ पर। और इसी तरह टेटर यूएसडी की बात करिए या बाइनेंस बीएनबी की बात करें या कार्डो की या डोजे कॉइन की, तो आप देख रहे हो यहाँ पर रेगुलरली हर कोई जो भी हमारा कॉइन था, जो भी बड़े बड़े कॉइन थे या फिर छोटे कॉइन थे, वो भी अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, यानी उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो चले इस बीच में हम एक आपको एक गुड न्यूज़ देते हैं। हम सीधा ही चलते हैं शिबा इनू कॉइन के ऊपर, शिबा इनू टोकन के ऊपर। तो हमने यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को खोल लिया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन डॉलर में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। मैं ब्रिज की हेल्प से देखिए यहाँ पर 37.75% खुद को इंक्रीज कर लिया है यहाँ पर। ठीक है गाइज, उसके बाद मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। अगर नीचे मैं ग्राफ की बात करूँ यहाँ पर, तो ग्राफ मैं निकाल लेता हूँ 1 मंथ का यहाँ पर लेटर। तो 1 मंथ के ग्राफ की बात करें तो पहले जो था वो नीचे की नीचे गिरा हुआ था इसका ग्राफ। यहाँ से देखिए यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, यहाँ फिर हुआ, फिर एकदम बड़ा, लेकिन फिर नीचे की तक डाउनफॉल आया, फिर एकदम इंक्रीज हुआ, फिर डाउनफॉल आया, फिर एकदम इंक्रीज हुआ, फिर डाउनफॉल आया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर रेगुलरली डाउनफॉल आता चला गया। मतलब हल्का सा इंक्रीज होता फिर डाउनफॉल आता, फिर हल्का सा इंक्रीज होता फिर डाउनफॉल आ जाता है यहाँ पर, फिर इंक्रीज होता फिर डाउनफॉल आता। लेकिन अब यहाँ देखे मैं अगर लास्ट के एक दिन की बात करूँ यहाँ पर, तो एक दिन के ग्राफ को मैं निकालता हूँ यहाँ, और एक दिन का ग्राफ आप चेक करिए यहाँ पर। देखिए गाइस एक दिन का ग्राफ रेगुलरली इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है एक दिन का ग्राफ आपको दिख रहा होगा। और इसका जो मेन कारण है, इस ग्राफ का इंक्रीज होने का मेन कारण ये है कि भाई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं यानी बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो भी अब शिबू इन कॉइन के रुख कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ क्रिप्टो पोटैटो पे। क्रिप्टो पोटैटो पे आप न्यूज़ देख सकते हैं, ये 12 बजे की न्यूज़ आई थी यहाँ पर, 12:03 पे न्यूज़ आई थी यहाँ पर। जो रैपर है मिक मिल, अमेरिकन रैपर है ये, इन्होंने भी रुख किया है शिबा इनू कॉइन की तरफ। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है मिक मिल प्लान टू बाय शिबा इनू, यानी जो मिक मिल है वो रैपर है, वो बहुत ही जाने माने रैपर है। उनके अराउंड 11 मिलियन उनके फॉलोवर है ट्विटर हैंडल पे, अगर आप जाके देखो इनके ट्विटर अकाउंट पे। तो इन्होंने भी अब क्या किया, रुख किया है शिबा इनू कॉइन की तरफ यहाँ पर, और इन्होंने साफ साफ लिख दिया। अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, द स्काई रॉकिंग पॉपुलैरिटी ऑफ मेम कॉइन। जो मेम कॉइन है वो क्या है, उनकी स्काई रॉकिंग पॉपुलैरिटी है, जैसे कि डोजे कॉइन होगा, और जैसे टेस्ला के सीईओ ने, आपको तो पता है जो डोजे कॉइन है एलोन मस्क ने, उन्होंने किए हुआ, और उनका ये सपना है एलोन मस्क का कि उसको $1 तक वहाँ पर लेके जाए। तो इसी तरह से सेम इसको देखते हुए जो शिबा इनू कॉइन है उसको मिक मिल प्लान कर रहे हैं उनको खरीदने की। और इसका मतलब ये है अगर वो अभी तो सिर्फ यही चीज़ आई, मैं उनको ट्विटर हैंडल भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाओगे इनके, तो यहाँ पर ट्विटर हैंडल देख सकते हैं आप, मिक मिल का ट्विटर हैंडल यहाँ पर। मैं इनका अकाउंट को ओपन करता हूँ यहाँ, सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 10.8 मिलियन फॉलोवर हैं, यानी लगभग 11 मिलियन फॉलोवर इनके होने वाले हैं यहाँ पर। और क्या है, अब मैं नीचे की तरफ आता हूँ, देखो इन्होंने एक ट्वीट किया था यहाँ पर, ये ट्वीट लगभग 22 घंटे पहले का ट्वीट किया था इन्होंने। और इन्होंने ट्वीट में लिखा था, 22 घंटे पहले ट्वीट था, इन्होंने लिखा था आई एम अबाउट टू बाई सम शिबा इनू कॉइन्स, ठीक है। और उसके बाद शिबा इनू जो ऑफिशियल है उन्होंने क्या किया था, स्पोर्ट ने यहाँ पर लिखा था मीट यू गॉड द शिबा ऑन फायर। इसका मतलब साफ साफ है कि भाई जो शिबा इनू कॉइन है, इन्होंने सिर्फ एक हरी झंडी दिखाई है, भाई मैं शिबा इनू कॉइन को खरीदना चाहता हूँ, और क्या कुछ प्रोसीजर क्या कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद सीधा ही जो शिबा इनू स्पोर्ट है उन्होंने सीधा ही इनको बता दिया है भाई हाँ आप आइए हम आपका स्वागत करते हैं। और गाइज अभी इन्होंने खरीदे नहीं है, जस्ट इन्होंने एक कंफर्म मतलब डाला है भाई मैं सोच रहा हूँ शिबा इनू कॉइन को खरीदने के लिए। लेकिन बात यह है सिर्फ इतने से ही हाइप पे बस इन्होंने इतना ही कुछ डाला, और आप कॉइन मार्केट पे यहाँ पर प्राइस में उछाल देख सकते हैं। देखो और ग्राफ पे इंक्रीमेंट हो गया हमारा इतनी देर में, थोड़ी ही देर में यहाँ पर देखिए अब रेगुलरली जो ग्राफ है वो इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पर, रेगुलरली ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है। 34.77% पे आ चुका है यहाँ पर ग्राफ। तो चलिए मैं शिबा इनू के ट्विटर हैंडल की ओर भी चलता हूँ, अभी ट्विटर हैंडल पर भी आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं शिबा इनू के ट्विटर हैंडल पे लगभग 5 लाख फॉलोवर होने वाले हैं इनके कंप्लीट। 5 लाख फॉलोवर का मतलब क्या है, जो पब्लिक है वो दिखा रही है यहाँ पर प्यार शिबा इनू टोकन को, मतलब वो चाहते हैं भाई शिबा इनू टोकन क्या है आगे बढ़े यहाँ पर। और इनका भी एक मकसद है, जो डोजे कॉइन है, डोजे कॉइन जो एलोन मस्क ये सोच रहे हैं भाई डोजे कॉइन को $1 पे ले जाएं, तो शिबा इनू ये सोच रहे हैं भाई उनके $1 से होने से पहले हम अपने शिबा इनू टोकन को $1 पे ले जाएं। तो अभी तो शुरुआत की है, जैसे मिक मिल हो गए उन्होंने शुरुआत की है,
तो ये देखिए यहाँ पर एक ट्वीट, बड़ा ही मस्त ट्वीट आया हुआ है इनका। लगभग ये 22 तारीख को आया था, मैं यानी 2 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया था ये न्यू टोकन लिस्टिंग अनाउंसमेंट। अब इन्होंने क्या, एक नया टोकन आएगा, शिबा का ही एक नया टोकन आएगा, तो टू प्रोवाइड यू द मोर ट्रेडिंग ऑप्शन। और ये कहाँ पर आएगा, ब्रैक्सली पे आएगा, विश लिस्ट में, ब्रैक्सली के लिस्ट में आएगा ये। और ऑन मई कितने, 25 तारीख, यानी आज 24 तारीख है, तो कल 25 तारीख है, कल को ये एक नया टोकन को रिलीज करेंगे। इसका मतलब क्या चीज़ है, जब वो टोकन रिलीज होगा तो लोग उसको तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगा Brixley.com पर ही वो अवेलेबल होगा अभी, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद फैल जाएगा वो भी। जैसे आपको पैनकेक स्वैप पे भी मिल सकता है वो, कॉइन मार्केट कैप मिल सकता है, कॉइन गीगो को भी देखने को मिलेगा वहाँ पर, उसके प्राइस बाइनेंस पे भी आप शायद खरीद सकोगे उसको, लेकिन अभी तो Brixley.com पे ही आया एक्सचेंज पर। और ये क्या क्या, एक और इन्होंने गुड न्यूज़ क्या है यहाँ पर, एयर ड्रॉप 25 EVR, और यहाँ पर ये एयर ड्रॉप भी करेंगे गाइस। मैं भी वीडियो में, मैंने पीछे पे पहले 2 या 3 वीडियो डाली हुई है एयर ड्रॉप की, यानी वहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में, आप किस तरह से कॉइन्स को ले सकते हो, वो मैंने वीडियो डाली हुई है। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, 15 मिलियन, 15 बिलियन, मिलियन नहीं सॉरी, 15 बिलियन टोकन मैंने वहाँ पर दिलवाए थे, और पूरा वीडियो वो मैंने दिखाया हुआ है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है किस तरह से आप भी ले सकते हो 15 बिलियन टोकन। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, अब हम फिर से चलते हैं कॉइन मार्केट की तरफ। सबसे पहले तो कॉइन मार्केट कैप पे अभी ये देखिए बिटकॉइंस यहाँ पर तो इंक्रीमेंट हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है इनके प्राइजेस के बीच में, और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, देखो ट्विटर भी $1 पर हो चुका है ये। बाइनेंस कॉइन तो $316 पर ही चल रहा है अभी। और ये कॉइन के बारे में मैं एक बार डिस्कस किया था भाई, ये कॉइन जाएगा बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनके जो वे था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव वे था, लोगों को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा किया इसने। उसके बाद देखिए यहाँ डोजे कॉइन 6th नंबर पर डोजे कॉइन आया है हमारा। और सेम वे में अगर हम बात की जाए अपने शिबा इनू कॉइन टोकन के बारे में, ये देखो 29 रैंक पे हमारा शिबा इनू टोकन है यहाँ पर, और 32.44% इंक्रीमेंट हो चुका है इसका। तो थोड़ी नीचे देखिए अभी ग्राफ देख लीजिए आप यहाँ पर, फिर इसे ग्राफ ये क्या है ऊपर की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर सीधा ही टू द मून। तो गाइज ये यहाँ पर अब उन लोगों की बात आती है जिन्होंने नहीं खरीदे हैं शिबा इनू, तो वो ख़रीद लें, क्योंकि अभी जो आपको प्राइस मिल रहा है वो बहुत ही लो प्राइस है यहाँ पर, देखो बहुत ही कम प्राइस है यहाँ पर। अगर जिन्होंने नहीं खरीदे हैं वो ख़रीद लें अभी भी, और जब जिन्होंने ख़रीद लिया तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। तो अब देखिए मैं यहाँ पर जैसे शिबा इनू टोकन है, मान लो मैं $1 के खरीदना चाहता हूँ, तो $1 मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 73 रुपये के आपको देखो कितने मिल जाएंगे, 10 लाख, सॉरी 1 लाख, 1,08,612 टोकन आपको यहाँ पर सिर्फ $1। $1 का मतलब है 73 या 74 इंडियन रुपीज़, तो उसके बीच में आपको कितने सारे यहाँ पर अभी टोकन मिल जाएंगे अगर आप खरीदोगे। और जैसे जैसे इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तब खरीदोगे, फिर ये उतने ही कम होते चले जाएंगे वहाँ पर। तो गाइज अभी भी टाइम है, मौका है, खरीद सकते हो आप। और ये देखिए सबसे अच्छी बात एक बार फिर से भाई, मार्केट उठ चुका है, सब बहुत ही खुश हैं अब मार्केट उठने, क्योंकि सभी टेंशन में थे भाई मार्केट डाउन चला गया तो हम क्या करें, अपने कोइन को निकाल दें या फिर रख के रखें उनको। तो गाइज अब मैं बता देता हूँ साफ साफ भाई, आपको रख के रखना है शिबा इनू कोइन को, रख के रखना है, क्योंकि ये नेक्स्ट टू डोजे कॉइन है, या फिर ये डोजे कॉइन को भी पछाड़ देगा थोड़े ही टाइम के अंदर अंदर, क्योंकि इन्होंने अब जैसे एलोन मस्क ने डोजे कॉइन के प्राइस को हाइक किया, उन्होंने बढ़ाया प्राइस को, और अब उनके बाद क्या हुआ, उन्होंने बिटकॉइन के साथ भी ऐसे किया, लेकिन बिटकॉइन उन्होंने फिर सेल कर दिया वहाँ पर, तो लोगों में गुस्सा आया, बिटकॉइन उन्होंने जब सेल कर दिया तो लोगों ने भी गुस्सा आया, भाई ये तो गलत बात है, ऐसे तुम छोटे प्राइस से उठा के बड़े पे करते हो और फिर सेल कर देते हो। तो उसके नाम पे एक और कॉइन आया स्टॉप इलोन, जो अच्छा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो भी स्टॉप इलोन। अगर मैं यहाँ पर इसमें बात करूँ तो स्टॉप इलोन की अगर पर तो यहाँ नहीं मिलेगा अभी कॉइन मार्केट कैप पे, वो अवेलेबल नहीं है। तो चलिए गाइस अब जिन्होंने नहीं खरीदा भाई, एक बार मैं लास्ट कह देता हूँ, फिर से खरीद लीजिए, बहुत ही फायदे में रहोगे। और जो नहीं खरीद रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आप देखो रेगुलरली प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पर, और बाद में वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको।
अभी टाइम है, खरीद लो, क्योंकि आने वाले 1 साल 1.5 साल में ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा ही जाएगा।